बंदर के साथ और रेस लग गया गाइस, रेस लग गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे गाइस। गाइस आप देख पा रहे होंगे कि आगे क्या है। ये एक्चुअली ये मेरा पहले वाला टायर है जो कि थोड़ा सा ख़राब होने के बाद ही मैं चेंज कर दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या है, इसको पहले इंस्टॉल करते हैं फिर बर्नआउट करेंगे। आज का वीडियो में बहुत ही मज़ा होने वाला है गाइस, लास्ट तक बने रहिएगा और भरपूर मज़ा लीजिएगा इस वीडियो का। क्योंकि मैं वो जो टायर है उसको एक महीने पहले ही मैं उसको इंस्टॉल किया था, तो मैं सोच रहा हूँ ये उस टायर से क्यों बर्नआउट करेंगे और ये पुराना टायर से ही बर्नआउट करते हैं, यहीं पे इंस्टॉल करते हैं फिर चलते हैं गाइस। गाइस हर दिन गंदा हो जाता है, रेनी सीजन का यही दिक्कत है बस, और कुछ नहीं। इसको आज बर्नआउट करने के बाद फाइनली फिर मडगार्ड लगवा देंगे, कोई सीन नहीं रहेगा फिर गंदा होने का। मैनी स्टैंड है नहीं क्या तुम्हारे पास? गाइस फाइनली अभी पहले वाला टायर को इंस्टॉल कर दिया है और निकलते हैं, छोटा सा राइड करके फिर टायर बर्नआउट करके आते हैं गाइस। गाइस फ्यूल नहीं है, फ्यूल का इग्निशन ऑन हो गया है अभी, पहले फ्यूल ऑफ करवाते हैं फिर चलते हैं छोटा सा राइड पे गाइस, एक दो महीना पहले, क्योंकि ज़्यादा किलोमीटर चला नहीं है। बर्नआउट करना सही नहीं होता इसलिए क्योंकि नया टायर है, ज़्यादा चला नहीं है। सो मेरा और एक इसके पहले जो चेंज करने के बाद डाला था तो उस टायर को अभी इंस्टॉल किया हूँ, क्योंकि वो टायर भी बेटर था, मतलब सही था, हल्का सा बीट चला गया था, सो इसलिए मैं निकाल कर नया वाला डाल दिया था। तो अभी फाइनली वही पुराना वाला को ही इंस्टॉल किया हूँ क्योंकि बर्नआउट करेंगे उसमें, इससे बर्नआउट करना सही नहीं होता इसलिए उसको अनइंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल किया हूँ, फिर इसमें बर्नआउट करने के बाद उसको इंस्टॉल कर देते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे फ्यूल अप करवाते हैं, करवाने बाप रे बाप कितना भीड़ है यार। चैनल ने एसआई कौन कर चो कौन है 10 क्लास कर 10 क्लास कोडी मगड़िया कोई स्कूल रे चूड़ा गुटी कोई स्कूल चूड़ा ही पटी स्कूल अच्छा अच्छा यार अपन घर दमनोर हां दमनोर रेस लग गया गाइस, रेस लग गया। ओ भाई रेस लग गया। ओ भाई साहब
बंदा कुछ भी नहीं, सब एक समान कर दे रहा है। ओ भाई क्या क्या चल रहा है भाई। गाइज आरसी का नाम क्या रखें क्या आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ गाइज, क्योंकि आरसी बोलता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, इसका नाम लेना पड़ेगा एक। आप लोग ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या रखने से सही रहेगा। हाँ ब्लॉग चल जी। हाँ थोबड़ा नहीं आना चाहिए क्यों? आगे आप वन आउट करते हैं। आज का टॉपिक रहा दो क्यूट स्कूल रिएक्शन। अरे यार स्टंट मारे गाइस, फाइनली अभी बर्नआउट मार रहे हैं। वायर आने वाला है डिमांड पर ही दोबारा मानना पड़ा गाइस, पूरा देख रहे पा रहे हैं। नहीं लगा है, लगा देंगे ये लगा यार पे जो निकलते हैं। ये बंदर के साथ और आप अच्छे से ना। क्या चैनल है आपका? राइडर एस आई आते हैं। हाँ आते हैं भाई गाइस। गाइस मजा आ गया यार बर्नआउट करने के बाद यार, रिएक्शन खतरनाक रिएक्शन।
रिएक्शन कैप वो मतलब कैप्चर हुआ होगी कि नहीं पता नहीं, बट लेकिन हैवी रिएक्शन मिल रहा था यार। क्यूट क्यूट से बच्चे सब रिएक्शन दे रहे थे। सीके के रोड में जाएंगे, वहाँ पे बर्न आउट करेंगे, क्योंकि खाली सा प्लेस रहता है, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। वहाँ पे बर्न आउट करेंगे खतरनाक वाला, फिर रिटर्न आएंगे। गाइज यहीं पे करते हैं बर्न आउट। गाइज देख पा रहे होंगे बर्न आउट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इस बंदे ने कहाँ से होटल उठा लिया। तगड़ा वाला बर्न आउट हो रहा है गाइस, पूरा तगड़ा वाला आग लगा दिया। ओ भाई साहब तगड़ा वाला बर्न आउट हो रहा है। पहला वाला बीट चल गया ऑलरेडी और सेकंड वाला बीट आ गया था। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ऐसे सपोर्ट बनाए रखो गाइस।